आज हम बना रहे हैं नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर, जिसको आप व्रत में खा सकते हैं और अगर व्रत नहीं भी है तो ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीर, बिल्कुल रबड़ी वाला टेक्सचर आएगा इसका, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, रेसिपी बिल्कुल आसान है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ गैस पर हमने मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 कप मखाने, और मखानों को हम लगभग 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें मखानों को बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है, यानी कि जब हम इनको तोड़ें तो ये चटक जाए, ऐसा कर लेना है हमें इनको। मखानों को हमें ब्राउन नहीं होने देना है, यानी कि इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इनको चलाते रहेंगे। और मखाने हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, करारे हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई में हम फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे, और अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू ले लिए हैं, और इनको मैंने बीच में से आधा आधा कर दिया है, यानी कि काट करके हम इनको फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो साबुत काजू बादाम फ्राई कर लें और बाद में इनको काट लें, लेकिन अगर आप इस तरह काट करके फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस अब हम इनको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स भी क्रंची हो गए हैं, तो अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम मखाने की खीर बन जाने के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो इसी प्लेट में मैं थोड़े से मखाने भी अलग करके निकाल रही हूँ, और जो बाकी बचे हुए मखाने हैं इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। तो प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, अब हम सेम कढ़ाई में दूध उबालेंगे। तो यहाँ मैं 3 कप दूध ले रही हूँ, यानी कि 750 ml दूध है ये, 1 किलो से थोड़ा सा कम। और अब हम दूध को हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे, और यहाँ हमारे मखाने भी रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो अब हम इनको मिक्सर जार में दरदरा पीस लेते हैं। यानी मिक्सर जार में मखानों को डालने के बाद हमें बस 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सर को ऑन करना है, क्योंकि बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है हम मखानों का, थोड़ा दरदरा रखेंगे जिससे कि खाने में बहुत अच्छी लगे खीर। और आप देख सकते हैं दूध भी उबलना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने अब फ्लेम को लो कर दिया है, और अब हम लो फ्लेम पर दूध को लगभग 5 से 7 मिनट तक, या जब तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं हो जाए तब तक पका लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से पककर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, और यहाँ पर हमने मखानों को भी पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा दरदरा रखा है हमने मखानों को, यानी कि इसमें छोटे छोटे आपको मखाने के पीसेस दिख रहे हैं, तो ये ज़रूर होने चाहिए, इससे हमारी खीर का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो हम मखाने पिसे हुए खीर में दूध में डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कम भी पका सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर खीर हमारी अच्छे से पकी हुई होगी तो टेस्ट में एक अलग ही मज़ा आएगा, रबड़ी जैसी हमारी खीर बनेगी। और अब खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और अभी ये जितनी गाढ़ी आपको दिख रही है, अभी जब ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा इससे गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसको। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप से थोड़ी कम चीनी।
चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतने दूध के लिए हमारी इतनी चीनी काफ़ी रहेगी। हाफ कप से 2 टेबलस्पून कम चीनी मैंने यहाँ पर ली है। और अब चीनी के साथ हम खीर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस अब हम एक बॉयल इसको आने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। और हमारी खीर अब बिल्कुल तैयार है बन करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी है ये। बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितनी ये ठंडी होती रहेगी साथ साथ गाढ़ी होती रहेगी। तो गैस मैंने बंद कर दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और हमारी खीर रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा टेक्सचर आया खीर का, बिल्कुल रबड़ी जैसी लग रही है ये देखने में। और ट्रस्ट मी, खाने में ये बिल्कुल रबड़ी की तरह ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस नवरात्रि इस तरह मखाने की खीर बनाइए, आई एम श्योर आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको व्रत की और भी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।